इस फोन में ना 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, डायमेंसिटी 7050 मिलता है, प्रीमियम ग्लास बैक मिलता है और एक्सीलेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है। भाई साहब मुझे लग रहा था कि यार ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, 20,000 में ऐसा फोन अब बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब चीज महंगी हो गई है और बाकी जो ब्रांड्स है, मुझे लग रहा था कि यार चलो सही है, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि भाई डॉलर महंगा हो गया है और इम्पोर्ट टैक्स वगैरह ये सब चीजें बढ़ रही है, शायद ब्रांड जो है इस तरह के स्मार्टफोन नहीं दे पा रही है। लेकिन भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे दे दिया लावा ने लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन वो भी 20,000 के अंडर। तो सबसे पहले लावा अग्नि 2 की अनबॉक्सिंग देखते हैं। देखो ये हमें स्पेशल बॉक्स में मिला है, हैशटैग अहेड ऑफ द कर्व लिखा है और नीचे अग्नि 2 लिखा है और इधर हमारा चैनल का नेम लिखा है KK वर्ल्ड। तो जब इस फोन को आप परचेस करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर सिंपल सा अग्नि 2 लिखा है, यहाँ पर कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से खुलता है, तो मैं फिर से खोल के दिखाता हूँ। तो यार अलग ही फील आ रही है, इस फोन को मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिलती है फ्री फोन रिप्लेसमेंट एट होम, मतलब अगर आपके फोन में वारंटी के अंदर अंदर कोई भी दिक्कत आती है ना 1 साल के अंदर, तो आपके फोन को रिपेयर करने की बजाय आपको नया फोन दिया जाएगा वो भी आपके घर पर। तो ये इसका सिलिकॉन केस मिलता है, इसको भी रखता हूँ साइड में। और बाकी इसके साथ हमें सिम ट्रे इजेक्ट करने के लिए एक पिन मिल जाती है। तो बॉक्स के अंदर दिखाऊं तो हमें इसके साथ चार्जर मिलता है, चार्जर नहीं हटाया गया है और यहाँ पर चार्जिंग के लिए केबल दी गई है और एक टाइप C2 हेडफोन जैक का एक अडेप्टर भी दिया गया है, मतलब इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, आपको टाइप सी पोर्ट के थ्रू हेडफोन्स वगैरह यूज कर सकते हो या फिर इस तरह का अडेप्टर यूज कर सकते हो जो इसके साथ हमें फ्री मिलता है। और इसके साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगी और ये एक बड़ा सा चार्जर मिलता है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और इसकी पावर रेटिंग सारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बाकी इसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला ना, जो मेरा रिएक्शन होगा वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यार फोन को पैकेट से निकालते यार अलग ही प्रीमियम फील आ रही है, पूरा ग्लास दे रखा है पीछे और आगे कर्व्ड डिस्प्ले दे रखी है, पीछे स्टिकर है इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस फोन के डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूँ ना, सबसे हाइलाइटेड फीचर जो है वो यही है कि इसमें आपको कर्व्ड ग्लास मिलता है फ्रंट में। तो पीछे देखें तो पीछे भी आपको ग्लास मिलता है जो कि कर्व्ड है, मतलब बोथ साइड कर्व्ड आपको ग्लास मिलता है। और इसके साथ जो पीछे जो बैक मिलता है ना वो मैट फिनिश के साथ आता है जिसकी वजह से और ज्यादा प्रीमियमनेस आती है। और पीछे कैमरा का मॉड्यूल देखेंगे ना, ये काफी दिखने में अच्छा लगता है, बोरिंग सा डिजाइन नहीं दिया गया, काफी इंटरेस्टिंग पैक डिजाइन दे रखा है। इसके अलावा आपको ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाएगा नॉइस कैंसिलेशन के लिए। बाकी इसमें आपको जो सिम ट्रे मिलती है उसमें आप 2 5G सिम यूज कर सकते हो और इसमें SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है और ना ही इस फोन में हेडफोन जैक मिलता है। बाकी इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा नीचे और प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाएगा और इसका जो स्पीकर है वो सिंगल है हमारी तरह, तो स्टीरियो स्पीकर इसमें नहीं मिलता है। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूँ ना, भाई साहब इसके डिस्प्ले देख लेना, आपको प्यार ना हो गया तो बात है यार, अगर आपको जिंदगी में कभी प्यार नहीं होना तो अब हो जाएगा इसकी डिस्प्ले को देखकर। तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले यूज करी गई है जो कि 3D कर्व्ड ग्लास के साथ आती है, मतलब इसकी डिस्प्ले देखेंगे ना साइड से कर्व्ड है, 3D कर्व्ड है। और इसके बेजल्स देखेंगे ना, ऊपर हो या फिर नीचे हो, इतने पतले पतले बेजल्स दे रखे हैं ना, कोई मोटी चीन नहीं मिलती है, लगभग सिमिलर सी आपको ऊपर और नीचे बेजल मिल जाते हैं। साइड में तो भाई सवाल बनता ही नहीं है, कर्व डिस्प्ले है, साइड तक आपको डिस्प्ले मिलती है जिसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी हाई है। तो इसमें आपको 93.65% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। बाकी इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बाकी इसके डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है, 6.78 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिलता है जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है। और इसमें आप कोई भी मूवी या फिर वेब सीरीज वगैरह किसी भी तरह का कंटेंट देखेंगे ना, काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्योंकि एक तो इसमें वाइड वाइन L1 सपोर्ट करता है और साथ में ये डिस्प्ले जो है HDR 10 प्लस को सपोर्ट करती है। और डिस्प्ले को और प्रीमियम बनाने के लिए ना फिंगरप्रिंट सेंसर इसके डिस्प्ले में मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और बात रही परफॉर्मेंस की, भाई साहब कोई कंजूसी नहीं करी गई है परफॉर्मेंस में, इसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 मिलता है जो कि इंडिया में पहली बार किसी फोन में आपको मिल रहा है। तो ये फोन में जो प्रोसेसर यूज करा गया ना ये काफी पावरफुल है और काफी बैटरी एफिशिएंट भी है, 6 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर मिलता है। और डेफिनेटली ये फोन 5G है तो 2 सिम 5G के आप इसमें यूज कर सकते हो और इस फोन में 13 5G बैंड सपोर्टेड है। और बाकी इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करूँ ना, इसमें आपको 8GB की रैम मिलती है और डायरेक्टली 256GB की स्टोरेज मिलती है, कोई स्टोरेज में कंजूसी नहीं करी, कोई 64GB या फिर 128 नहीं, डायरेक्ट 256GB और वो भी 8GB रैम के साथ। बाकी आपको इसमें 8GB की वर्चुअल रैम मिलती है तो 8+8GB आपको इसमें रैम मिल जाती है। और परफॉर्मेंस के बारे में आपको थोड़ा और अंदाजा लगाना है ना, तो इसका एंटीटू स्कोर बताऊँ ना, इसमें आपको 5,10,000 से ज्यादा का एंटीटू स्कोर मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा है।
और बात करूं गेमिंग की, तो इसकी गेमिंग की हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको न्यू स्टेट में इसकी ग्राफिक्स दिखा देता हूं। यहां पर आपका 90 FPS सपोर्ट करता है। फ्रेम रेट और ग्राफिक्स के बारे में बात करूं तो अल्ट्रा में आप यूज कर सकते हो, बाकी सारी सेटिंग्स आपकी हाई मिलती है। और बाकी BGMI की एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, पूरी टेस्टिंग करेंगे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो कैमरे के बारे में बात करूँ ना, पीछे आपको काफी ब्यूटीफुल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें आपको क्वेड कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि काफी बढ़िया क्वालिटी के पिक्चर्स निकाल के देता है। 4:1 पिक्सल बिनिंग का यूज करता है। इसके सैंपल्स आगे आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है, बाकी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब इसके कैमरे फीचर्स के बारे में बात करूँ ना, इसमें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नाइट मोड मिल जाएगा, वीडियो मोड मिल जाएगा। वीडियो में अगर आपको इसकी सेटिंग्स दिखाऊं तो सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो क्वालिटी जो है 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर फुल HD में आप EIS के साथ 60 FPS पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा फोटो मिल जाएगा, फिल्म मोड मिल जाएगा, इसमें काफ़ी सारे फिल्म मोड्स मिल जाते हैं, बाकी पोर्ट्रेट मोड मिलता है, ब्यूटी मोड मिल जाएगा। मोर में जाऊँ तो मोर में काफ़ी सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि प्रो मोड हुआ, पैनोरामा मोड हुआ, अल्ट्रा HD हुआ जिसमें आप 50 मेगापिक्सल में फोटोज कैप्चर कर पाओगे, स्लो मोशन हुआ, टाइम लैप्स हुआ, मैक्रो हुआ, इंटेलिजेंट स्कैनिंग हुआ और GIF हुआ। अब कुछ कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करूँ ना, देखो उसके कैमरे की ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने जो टेस्टिंग करी है ना उसमें भाई साहब रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग आया है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि आउटडोर में सनलाइट में मैंने कुछ सैंपल्स लिए थे, आप चेक कर सकते हो, एक एक चीज़ जो है वो काफ़ी क्लियर दिख रही है, टेक्स्चर वगैरह काफ़ी क्लियर है। जूम आउट करूँ ना तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर थी। और बाकी मैंने एक सेल्फी ली थी सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में, इसमें भी आप देख सकते हो टेक्स्चर वगैरह काफ़ी क्लियर है, एक एक चीज़ काफ़ी क्रिस्प है। और ये भी मैंने आउटडोर में सेल्फी ली थी, जो कि कुछ इस तरह के सैंपल्स निकल कर आए हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ इंडोर के सैंपल दिखा रहा हूँ, ये इंडोर की सेल्फी है, इसमें भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिलती है, मतलब यार कैमरे में मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिली है मुझे। और इसमें बैक कैमरे में इंडोर के कुछ सैंपल्स दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, क्वालिटी वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो टेक्स्ट वगैरह काफ़ी क्लियरली विजिबल है। अब इस फोन की बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूँ ना, इस फोन में 4700 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 66 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देखो यार कंपनी क्लेम करती है 16 मिनट के अंदर अंदर ना आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा, तो हमने टेस्ट करके देखा, जो आइडियल हमारा इंडिया का टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेल्सियस पर मैंने चेक करा, तो हमारा फोन जो है 16 मिनट के अंदर अंदर सच में 50% चार्ज हो गया था। और बाकी मैंने उसको 100% चार्ज करके देखा तो उसको चार्ज होने में 35 से 40 मिनट लग गई थी, तो मान के चल सकते हो भाई 15 मिनट में 50% आपका फोन चार्ज हो जाएगा, 35 से 40 मिनट में आपका फोन 100% चार्ज हो जाएगा। बाकी इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा इसकी बैटरी के बारे में, वो जाकर आप देख लेना। अब इसके UI और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ ना, इसमें आपको क्लीन एंड्रॉयड 13 मिलता है, तो लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 मिलता है, जो कि काफ़ी क्लीन है। इसमें कोई ऐड नहीं मिलता, कोई ब्लॉटवेयर नहीं मिलता, पहले से कोई एप्लीकेशन डली नहीं आती, सिर्फ गूगल की एप्लीकेशन डली आती है जो कि डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है, और एक दो लावा की एप्लीकेशन है जो कि ज़रूरी है, जैसे कि एक यूज़र मैनुअल की दे रखी थी और एक सर्विस सेंटर की दे रखी थी, बाकी कोई फालतू की एप्लीकेशन नहीं मिलती है इसमें, ना ही कोई ऐड आता है, ना कोई नोटिफिकेशन आता है फालतू का, तो क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के इन्होंने फीचर्स दे रखे सेटिंग में, तो इनकी खुद की सेटिंग है जिसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के। और कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि इसमें आपको एंड्रॉयड 14 का भी अपडेट मिलेगा और एंड्रॉयड 15 का भी अपडेट मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, दो मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे इस फोन में। और बाकी इसमें डायलर के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको गूगल डायलर मिलता है, तो डेफिनेटली कॉल रिकॉर्डिंग करते टाइम आपकी अनाउंसमेंट इसमें होने वाली है। लेकिन एक फीचर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसमें YouTube पर कोई वीडियो प्ले करेंगे ना तो वो बैकग्राउंड में प्ले हो जाती है, तो इसमें ऊपर नोटिफिकेशन खोलेंगे, नोटिफिकेशन सेंटर, यहाँ पर प्लेबैक वाला मिलता है बैकग्राउंड में प्ले करने का, उसको टैप करेंगे तो आपकी वीडियो जो है बैकग्राउंड में चलती रहेगी, तो कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ दे रखा है इसमें डायरेक्टली। इसके अलावा इसकी UI में ना काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलता है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं करी, क्योंकि बजट एमोलेड डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं देते, लेकिन इसमें आपको AOD मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के। अब देखो मेरा क्या मानना है इस फोन को लेकर, अब मैं क्या बताऊँ यार, आप लोगों को खुद को पता होगा इससे अच्छा फोन इस प्राइस में मिलता ही नहीं है। इस फोन का प्राइस 19,999 रुपीज़ है इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स, और ऑफर्स ऐसे नहीं सिर्फ नाम का है,
लगभग सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपको 2000 सीधा ऑफ मिल जाएगा। तो आप प्रीपेड ऑर्डर करेंगे ना किसी भी कार्ड से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, मोस्टली आपके बैंक से डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। बाकी इसका वैसा प्राइस जो है सेलिंग प्राइस 21,999 रुपीज़ है, लेकिन आपको 2000 ऑफ मिल जाएगा, मतलब 20,000 के अंदर ये फ़ोन मिल जाएगा और इतने सारे कमाल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ मिलता है। बाकी यार मैं सोच रहा था यार ऐसा फ़ोन और कौन सा है, मुझे तो नहीं लगता है 30,000 में आपको इससे अच्छा या फिर इसके सिमिलर आपको फोन मिल जाएगा। सब फोन 30-35,000 से ऊपर के मिलते हैं जो कि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, इस तरह के कैमरा सेटअप और इस तरह के परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के साथ आते हैं, वो भी 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। बाकी आपका क्या मानना है नीचे मुझे कमेंट में बता देना। बाकी इस फोन में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है जिसमें आपका पूरा फोन रिप्लेस हो जाएगा, कोई रिपेयर का चक्कर नहीं। फोन में कोई दिक्कत आती है डायरेक्टली आपके घर पर आएंगे और नया फोन देकर जाएंगे। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसके ना काफी सारी वीडियो आने वाली है, गेमिंग की टेस्टिंग वाली वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो आपकी डिमांड है ना कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं वो वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फोन में ना, इस फोन में ना 3D कर्व